नमस्कार दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे तो आज हम आप सामने नया वीडियो लेकर आ चुके हैं आज हमको होंडा एस पी का एक राइड रिव्यू देने जा रहे हैं क्या रिस्पॉन्स है आज आपको मड एरिया वाले रोड पे और जो गीली मिट्टी वाला रोड है उस पर आप गाड़ी को हम पूरा फुल टेस्ट दिखाएंगे कैसा रिस्पॉन्ने को मिलता और जो गाड़ी हमारी लगभग फोर प्लस किलोमीटर ड्राइव भी हो चुकी है मैं आपको दिखा भी देता हूँ और उसके पहले बता दूँगा अगर आपको पूरा फुली डिजिटल मीटर कौनसोल इसमें देखने को मिलता है जो कि आपको पता ही होगा एडवांस एडवांस फीचर इसमें आपको ऑफर किए जाते हैं होंडा कंपनी तरफ से जो कि साथ में एक अच्छी बात है देख सकते हैं फुली डिजिटल है फ्यूल वाला देख सकते हैं स्पीडोमीटर और यहाँ पर जो आपको एन लिखा हुआ देखने को मिल जाता है किलोमीटर रेंज सारी चीज़ आपको जानकारी देखने को मिल जाती है देख सकते हैं मैं आपको दिखा भी देता हूँ लगभग फोर किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है मैं आपको एक बार और शो कर देता हूँ 4247 देख सकते हैं इतनी हमारी गाड़ी चल चुकी है इसके बाद आपको हम राइड रिव्यू दिन जा रहे हैं मिट्टी वाले रोड रौ, पे कैसा आपको रिस्पांस नहीं मिलता है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने राइड रिव्यू देने स्टार्ट कर दिया है अब मैं आपको एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में राइड रिव्यू देंगे दे। तो हो सकता थोड़ा कैमरा फोकस करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है देख सकते हैं ये जो रोड है एकदम खराब कंडीशन में इस पर आपको हम गाड़ी चला के दिखा रहे हैं और ये थोड़ा अभी धूल मिट्टी है रोड पर इसलिए थोड़ा और क्लियर विजिबिलिटी नहीं आ रही है तो आप देख सकते हैं जो रिस्पॉन्स गाड़ी का गाड़ी रिस्पॉन्स वाइज सही है अभी कोई दिक्कत परेशानी हमको देखने नहीं मिल रही है तीस पैंतीस सिक्ड में हम गाड़ी चला रहे हैं ओवरऑल अगर तो रिस्पॉस वाइज बात कर लेंगे तो गाड़ी रिस्पॉन्स वाइज अच्छी है इनिशियल पिकअप भी आपको अच्छी गाड़ी से देखने को मिल जाती है नो डाउट अभी आप तो देख सकते हैं जो रो, रोड है तो धूल मिट्टी वाला है तो इसलिए थोड़ा सा विजिबिलिटी वाइज प्रॉब्लम हो रही है बाकी अगर गाड़ी की बात कर लेंगे तो गाड़ी में भी कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी देखने को नहीं मिल रही है राइड करते वाइज आपको अच्छी रिस्पॉन्स देखने को मिलेगी बस आपको एक क्या होता है जब आप एक्सलेटर थोड़ा छोड़ते हैं जब आपकी गाड़ी चलती है थोड़ी सी एकदम कुछ एनोइंग सी साउंड प्रोड्यूस होती है मतलब कुछ अजीब सा साउंड इंजन से देखने को मिलता है आप कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा क्या ये आपके गाड़ी से भी कुछ अजीब सा साउंड देखने को मिलता है जब अपनी गाड़ी चलाते हैं और जब एक्सलेटर पूरा छोड़ देते हैं तो कुछ साउंड आपको रिलीज होता है आपके इंजन से कुछ रिलीज़ होता है साउंड तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा या आपको और कोई साउंड आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर, जरूर बताइएगा तो उसके बाद आप देख सकते हैं गाड़ी चलाने वाइज बहुत ही सही है इको मोड का आपको लाइट देखने को मिल जाता है इसके ऊपर भी मैंने कोई वीडियो बताया कि आप इसे कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं तो आप वो देख लें वो सब देख सकते हैं बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी मड एरिया में चलाने को तो इसलिए हम इस गाड़ी को ले आए जब मिट्टी वाले रास्ते पर दे सकते हैं पूरा ये मिट्टी वाला रास्ता और देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जो रोड कंडीशन देख सकते हैं ख़राब भी है ऊपर से इसमें पूरा पानी पानी है तो हम आपको इस पर राइड रिव्यू देंगे कैसे गाड़ी का रिस्पॉन्स है अगर आप ऐसे रास्ते चलाएं तो आप गाड़ी को तीस पैंतीस की लिमिट इसकी रखें इससे ऊपर गाड़ी को ना चलाएं क्योंकि बैक और फ्रंट दोनों में आपको अस्सी बाई सौ का टायर देखने को मिलता है तो ग्रिप वाइज आपको बिल्कुल प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है देख सकते हैं खासकर ऐसा जो रोड रहेगा जो जिसपे ज़्यादा मिट्टी जमी रहेगी और ऊपर से पानी रहेगा देख सकते हैं ये रोड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है तो हमको एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में इसका राइड रिव्यू दे रहे हैं कैसा आपको रिस्पॉन्स देने को मिल जाएगा होंडा एस से तो आप देख सकते हैं पूरा पानी भी है रोड पर देख सकते हैं क्या कंडीशन है रोड की एकदम पूरी खराब हो चुकी है तो आप ऐसे अगर रोड पर चलाएंगे तो आपको अपनी गाड़ी की स्पीड बीस से पच्चीस तक रखनी उसके है उसके ऊपर ना चलाएँ उसके ऊपर चलाएंगे तो आपको लिए खतरा हो सकता है क्योंकि देखिए ब्रेकिंग वाइज तो गाड़ी सही है ब्रेकिंग आपको दोनों ही फ्रंट में डिस्क देखने को मिल जाता है और बैक में आपको सी बी एस ब्रेकिंग देखने को मिल जाती है बाकी आप रोड की कंडीशन देख सकते हैं देख सकते हैं पूरा मड एरिया रोड है और पूरी एकदम रोड की कंडीशन है बहुत खराब हो चुकी है तो हम ये शक्ति नगर में वीडियो शूट कर रहे हैं शक्ति नगर सोनभद्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है उसके बाद आपको हम राइड भी गाड़ी का देते जा रहे हैं कैसा रिस्पांस है तो आप यहाँ पर अगर नॉर्मल स्पीड में चलाएंगे तो आपको अच्छा रिस्पॉस नहीं मिलेगा ब्रेकिंग वाइज गाड़ी ठीक है लेकिन कभी कभी स्कट कर जाती है जो कि एकदम तो क्लियर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ थोड़ा देख सकते हैं तो आप फोकस करें दिक्कत हो रहा है क्योंकि रोड खराब है ऊपर से थोड़ा सा इस पर अभी धूल मिट्टी भी उड़ा है तो आप इसको मैनेज कर लीजिएगा इसके लिए सॉरी बाकी आप देख सकते हैं गाड़ी का रिस्पांस गाड़ी अभी हम थर्ड गियर फोर्थ गियर में चला रहे हैं आपको इको मोड की लाइट देखने को मिल जाती है जो कि एक अच्छी बात है हम ब्रेकिंग वाइज बात कर रहे थे तो ब्रेकिंग वाइज अगर आप इस रोड पर ब्रेक मार देंगे झटके में तो आपका जो टायर है वो स्किट कर जाएगा और हो सकता है आप गाड़ी लेकर गिर भी जाएँ तो ये चीज़ आपको हमेशा देखना है, ध्यान में रखना है बाकी अगर आप डबलिंग करके चल रहे हैं और गाड़ी में हमेशा हवा सही रखें जो आपका एयर प्रेशर होता है टायर में वो हमेशा सही रखें उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कैसा आपको रोड पर ग्रिप देखने को मिल रहा है तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा आप आराम चलिए और देख सकते हैं अगर हम बीस पच्चीस किस मिनट चलाएं तो अभी गाड़ी से अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है कोई दिक्कत परेशानी गाड़ी से अभी तक नहीं आई है और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि गाड़ी से कोई दिक्कत परेशानी देखने को ना मिले बाकी और ओवरऑल गाड़ी बहुत सही है अगर आपको ऐसे मड एरिया पे रोड पे यूज़ करना है तो आपके लिए गाड़ी बेहतर नहीं साबित होगी आप इसके वजह से पल्सर के साथ जा सकते हैं इसको आप छोड़ सकते हैं पल्सर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अगर आपको ऐसे रोड पे यूज़ करना है मड एरिया वाले रोड पे कि टायर की ग्रिपिंग उतनी आपको अच्छी देखने को नहीं मिल जाती अगर आप ऐसे रोड पर यूज़ करेंगे तो और अगर बात करें अगर आपको सिटी और हाईवे पर यूज़ करना है तब उसके लिए बिल्कुल जा सकते हैं आप साठ सत्तर तक चलाइए हाईवे पे और नॉर्मल सिटी में चालीस पचास किलोमीटर तक यूज़ करने के लिए स्पीड लिमिट में आपके लिए गाड़ी बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन बनती है और सबसे बड़ी बात यह है कि गाड़ी आपको बेहतरीन माइलेज भी निकाल के देती है साथ साथ जो कि एक बहुत अच्छी बात रहने वाली है तो फ्रेंड्स यही था एक राइड रिव्यू हॉन्डा एस पी बी मॉडल का मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को कोई वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी मैं आप सभी के लिए और भी ऐसी डिटेल में वीडियो लेकर आता रहूँ और हाँ अगर आप सभी को कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा मैं आप सभी को बिल्कुल रिप्लाई करूँगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो